एक काम बता दीजिए जो इन लोगों ने किया, अभी जो बजट आया देश का, पूछिए मोदी जी से, पूछो भारत सरकार, हुकुम जो बोलिएगा वो हम करेंगे हुकुम। जो इन लोगों ने सत्ता हासिल किया है उस सत्ता से बेदखल करने का काम हम लोग मिल करके, महागठबंधन की सरकार, हम सब लोग सातों दल मिलकर के जो है करने का काम करेंगे। अरे क्या वादा किया था पूर्णिया की मैदान से कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे देंगे, सामाजिक न्याय समाजवादी पार्टियों को, विचारधारा को भाजपा खत्म करना चाहते थे। बोलता था कि तेजस्वी का मॉल है गुरुग्राम में। अरे बाद में पता चला तेजस्वी का नहीं तो भाजपा के नेता का है। हमारे पिता राष्ट्र अध्यक्ष लालू जी आज तक सांप्रदायिक शक्तियों के सामने घुटना नहीं टेका, हमेशा से लड़ाई लड़ने का काम किया। नौजवान युवा साथी भाइयों और बहनों और मीडिया के साथी, देखिए जैसा बिहार में महागठबंधन है वैसे ही हमारे देश में महागठबंधन है। इसका मतलब हमारे अनेकता में ही एकता है, यानी अलग अलग पार्टियां हैं, अलग अलग विचारधारा हैं, अलग अलग झंडे का रंग है, ये हम लोग अनेक हैं लेकिन हम लोगों में एकता है, यही जो है महागठबंधन है और यही हमारी पहचान और यही हमारी ताकत है। और आप लोगों के बीच हम कहना चाहते हैं कि आप लोगों के दुआ से, आप लोगों के प्रार्थना से, जो आप लोगों ने दुआ किया हमारे पिता पार्टी के राष्ट्र अध्यक्ष लालू जी के सेहत को लेकर के वो ठीक हो जाए और ऑपरेशन सफल हो जाए, और ऑपरेशन सफल हुआ तो केवल आप लोगों के दुआ और आप लोगों के प्रार्थना से जो है सफल हुआ। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि फिर से हमारे पिता हम सब लोगों के बीच आकर के आज भले ही वर्चुअल आए लेकिन हम लोगों को एक संदेश देने का काम किया। हम उनको भी धन्यवाद देना चाहते हैं कि हमारे पिता राष्ट्र अध्यक्ष लालू जी आज तक सांप्रदायिक शक्तियों के सामने घुटना नहीं टेका, हमेशा से लड़ाई लड़ने का काम किया। चाहे कितना भी तंग किया गया हो, लालू जी डरे नहीं, लालू जी निडर होकर के लड़ाई लड़े। और हम आपको कहना चाहते हैं कि देश में क्या माहौल है, देश के बारे में पूर्व वक्ताओं ने अपनी बात को यहां रखा, लेकिन हम बोल देना चाहते हैं कि ये भाजपा के लोग लीडर नहीं है, भाजपा में कोई लीडर नहीं, सब डीलर हो चुका है। तो इसलिए ये लोग देश के संविधान को, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। गंगा जमुनी तहजीब जो अमन चैन शांति को छीनना चाहते हैं, नफरत की राजनीति करना चाहते हैं। तो हम बता दे कि लालू जी कभी सांप्रदायिक शक्तियों के आगे घुटना नहीं टेका, उनका बेटा भी ये वचन करता है, ये संकल्प लेता है कि सांप्रदायिक शक्तियों से, फिरकापरस्त शक्तियों से हम लोग लड़ने का ही काम नहीं करेंगे, बल्कि देश के जो इन लोगों ने सत्ता हासिल किया है उस सत्ता से बेदखल करने का काम हम लोग मिल करके, महागठबंधन की सरकार, हम सब लोग सातों दल मिलकर के जो है करने का काम करेंगे, बेदखल करने का काम करेंगे। हम माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय नीतीश कुमार जी को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने एक निडर डिसीजन लेने का काम किया। आज के दौर में जो बीजेपी के खिलाफ बोलता है वहां छापे पड़ते हैं, और जो उनके साथ रहता है वो राजा हरिश्चंद्र हो जाता है। तो जहां लोगों को डराया जा रहा है, जहां देश के सामने सवाल आया संविधान को बचाने का, लोकतंत्र को बचाने का, वहां निडरता से हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने एक सही समय पर निर्णय लेकर के महागठबंधन में इनकी वापसी हुई, और इन्हीं का बनाया हुआ, लालू जी का महागठबंधन बनाया हुआ था। तो मुझे खुशी है
कि ये आज हमारे साथ है और आज हमारा महागठबंधन का नेतृत्व कर रहे हैं। और हम सब लोगों की कोशिश है कि विपक्षी दलों को देश भर में एक करके हम लोग लड़ाई लड़ेंगे तो हम लोगों की जीत जो है सुनिश्चित होगी। और आप सब लोग यहाँ उपस्थित हैं, आप सब लोगों को हम बता दें कि हम लोग जब जब बिहार लड़ता है, जब जब बिहार लड़ता है तब तब दिल्ली हारता है। हम लोग लड़ाई के लिए तैयार है। क्या क्या नहीं कर रहे थे हमारे मुख्यमंत्री जी की पार्टी के साथ? जनता दल यूनाइटेड को तोड़ना चाहते थे, मतलब समाजवाद पर हमला था, सामाजिक न्याय पर हमला था। क्या क्या कोशिश किन किन लोगों को आगे बहुरूपियों को खड़ा करके सामाजिक न्याय समाजवादी पार्टियों को विचारधारा को भाजपा खत्म करना चाहते थे, जो महाराष्ट्र में करना चाह रहे थे कि विधायक खरीद लेंगे, सीबीआई का रेट पढ़वा देंगे। तो मुख्यमंत्री जी को हम धन्यवाद दिए कि आप डरे नहीं, आप लड़े। और भाजपा ने जो महाराष्ट्र में खेल कर रहे थे, आज उल्टा ये बिहार की धरती ने उनको सीख सिखाने का काम किया। ये बिहार की धरती है और देश को एक संदेश भेजने का काम किया कि जो बिहार ने किया, अगर जब बिहार कर सकता है तो देश क्यों नहीं कर सकता है। इसी काम में हम सब लोग लगे हुए, किसी की कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, बस एक ही चाहत है कि बाबा साहब के लिखे हुए संविधान को हम बचा लें, जो लोकतंत्र है उसको बचा लें, जो भाईचारा है, जो हमारी संस्कृति है देश की, उसको हम लोग बचाने का काम करें। कोई हर कि प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनने की किसी की जिज्ञासा नहीं है, बस इतना ही हम लोग चाहते हैं कि 24 से उन लोगों को बेदखल करने का हम लोग काम करें। कुछ लोग कहता रहता है तरह तरह की बातें, हम कह देना चाहते हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ हम मजबूती के साथ खड़ा है, किसी को कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है और बकवास की बातों पर ध्यान नहीं देना। हम तो यही कहेंगे कि 24 का जो चुनाव है, जो लड़ाई है, किससे लड़ाई है? ये संघियों से लड़ाई है, ये आरएसएस से लड़ाई है और भाजपा वालों से लड़ाई है। तो हम सब लोग मिलकर के काम करेंगे। और हमारी जो महागठबंधन है, इसमें आप देखिएगा अलग अलग जो है रंग तो है ही, लेकिन अलग अलग विचारधारा है। कोई समाजवादी विचारधारा को मानता है, कोई वामपंथी विचारधारा को मानता है, कोई अंबेडकरवादी विचारधारा को मानता है, कोई गांधीवादी विचारधारा को मानता है। यही खूबसूरती है। और यही अगर अपने अपने ईगो को अलग करके अगर हम सब लोग देश पे एकजुट होंगे और कांग्रेस पार्टी से माननीय मुख्यमंत्री जी, लालू जी, मैडम सोनिया जी से मिल के बात भी की है, हम तो चाहेंगे कि कांग्रेस पार्टी जो है और जितने देश में रीजनल पार्टी है सबको बुला करके बात करना चाहिए कि आगे की लड़ाई जो है हम कैसे लड़ेंगे, क्या इस दिशा पे चलेंगे, ये तय करना पड़ेगा। इसलिए आप सब लोग जानते हैं, ये रंगभूमि की मैदान है जहां मोदी जी आए थे। और मोदी जी ने क्या वादा किया था? अरे क्या वादा किया था पूर्णिया की मैदान से? कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे देंगे। 2014 में बोला था, मोदी जी बोले थे। आप पूछिए मोदी जी, खाली जुमला नहीं बोलिए, हम बिहारी लोग हैं, हमको बुड़बक मत समझिए। हम लोग जानते हैं, सारी चीजों को जानते हैं कि आप लोगों का जुमला ये बिहार की धरती पे काम करने वाला नहीं। बिहार को विशेष पैकेज देंगे, किसानों का आय दुगुना कर देंगे 22 में, सबको जो झोपड़ी है उसको हटा करके पक्का मकान बना देंगे 2022 में, 2 करोड़ का रोजगार जो है नौकरी जो है 22 में देंगे। कहाँ हुआ? एक काम बता दीजिए जो इन लोगों ने किया। अभी जो बजट आया देश का, पूछिए मोदी जी से, पूछो भारत सरकार से कि बिहार को क्या मिला।
अरे क्या मिला बिहार को? सनबट्टा सन्नाटा, खत्म, जीरो, कुछ नहीं। वो तो हम धन्यवाद देते हैं नीतीश जी को कि उनकी नेतृत्व क्षमता है कि अपने ही बिहार सरकार अपने खर्च पर इतना विकास कर रही है, आगे बढ़ रहा है। अगर यही सहयोग मुख्यमंत्री जी और हम लोगों को मिल जाए सरकार को, तो बिहार 5 अव्वल राज्यों में टॉप 5 स्टेट में जो है बिहार आ जाएगा। हाथ उठा करके बताइए, आप लोग विशेष राज्य का दर्जा चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? अरे चाहते हो कि नहीं चाहते? तो इसलिए देश में बेरोजगारी है, महंगाई है, इस पे कोई चर्चा नहीं करता। सब लोग चर्चा, और कुछ बीजेपी माइंडसेट की मीडिया है जो दिन रात काम है कि जो उनको हुकुम हुकुम जो बोलिएगा वो हम करेंगे हुकुम। सच्चाई मत दिखाओ तो बोलता है हम सच्चाई नहीं दिखाएंगे हुकुम। यही काम में लगे हुए। किस काम में लगे हुए? जहर बोने में लगे हैं, समाज को बांटने में लगे हैं। क्या काम कर रहे हैं ये लोग? इसलिए आप सब लोगों को हम कहना चाहते हैं, आप सब लोग चौकन्ना रहिए। कोई भी लोग का चाल है, 24 में देखिएगा कुछ ना कुछ इस हिमाचल में आकर के लोग कुछ ना कुछ हरकत करेगा। इसमें एक लोग नहीं, दोनों पक्ष होंगे। एक भाजपा का बी टीम भी है, मिलकर के लोग चाहेगा कि सीमांचल के धरती पर नफरत की राजनीति जो है वो करने का काम करे। इसलिए आप सब लोगों से हम कहना चाहते हैं, कहीं इधर उधर नहीं होना है। कोई आएगा दाना देने तो उनके जाल में हमको फंसना नहीं है। मजबूती के साथ आप लोग एकजुट होकर के लड़ाई लड़ने का काम कीजिए। रेल बेच दिया, अरे देश का क्या क्या बेच दिया बताइए? रेल बेचा, तेल बेचा, भेल बेचा, पोर्ट बेचा, एयरपोर्ट बेचा, BSNL बेचा, LIC बेच दिया। अब बताओ अब कहाँ जाएगा देश का लोग? क्या हो रहा है? अब यहाँ कोई इनके मित्र लोग गुजरात के अगर घोटाला पे घोटाला घोटाला पे घोटाला करेंगे तो हमारी देश की सबसे उच्चतम जांच एजेंसियां मौन धारण कर लेती है, मौन, चुपचाप। नहीं भैया, कैसे छू देंगे? ये तो हमारे हुकुम के सबसे करीबी हैं, या इन्हीं के वजह से मोदी हैं, इसीलिए कोई हाथ नहीं लगा रहा है जांच एजेंसियां। ललन सिंह जी ने जिक्र किया घोटाले का, बताओ। और हम लोगों पर, लालू जी पर, हम लोगों पर बोलता था कि तेजस्वी का मॉल है गुरुग्राम में। अरे बाद में पता चला तेजस्वी का नहीं तो भाजपा के नेता का है। बताइए अब मॉल का खबर बंद, फिर ही लोग आएगा? ये लोग चुप बैठने वाला नहीं है, कोनो शर्म है? ये भाजपाइयों को शर्म है? कोई शर्म नहीं है, कोई शर्म नहीं बचा। ये लोग आएंगे फिर बोलेंगे कि फिर छापा मारो, छापा मारो। अभी आए अमित शाह, बोले जंगल राज है, जंगल राज। बताइए जंगल राज है? ये जनता का राज है, ये गरीब का राज है। बिहार के लोग, हम अमित शाह जी को बता देना चाहते हैं, बिहार के लोग बिकाऊ नहीं है। भले ही गरीब है लेकिन बिहार के लोग बिकाऊ नहीं, बिहार के लोग टिकाऊ है, टिकाऊ। आप लोगों से डरने वाले नहीं है। आप लोगों से हम लोग जो है सवाल पूछेंगे कि जो कुछ हो रहा है गुजराते में हो रहा है, जो देश चला रहा है गुजराती लोग देश चला रहा है, इसलिए इनके जो मॉडल है विकास का, इससे हम लोग फंसने वाले लोग नहीं है। और हम कहना चाहते हैं, यहाँ आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में आए, ज्यादा समय हम नहीं लेंगे, लेकिन आप लोगों से इतना जरूर कहेंगे कि एकजुट होना है। हमारे पिछड़ा समाज के लोग, अति पिछड़ा समाज के लोग, दलित हो, आदिवासी हो, महादलित हो, अल्पसंख्यक भाई हो, और हमारे स्वर्ण जाति के भाई हो, चाहे अगड़ा हो, पिछड़ा हो, मिल करके हम लोगों को साथ रहना है। ये लोग धर्म की राजनीति करना चाहते हैं,
जात पात में बांट करके रख दिया इन लोगों ने। इसलिए हम सब लोगों को एकजुट होना है। और हम आपको बता दे, हम तो मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं, चुनाव में तो हम कहते कि 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने ऐतिहासिक गांधी मैदान से 15 अगस्त को ऐलान किया कि 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार देने का काम करेंगे। हम बस कहेंगे धैर्य रखिए, और आपको जो हम लोगों ने वचन दिया है उसको जल्दी ही हम लोग पूरा करने जा रहे हैं। अंतिम रूपरेखा में सब कुछ है, सब कुछ हो जाएगा, इसलिए आप सब लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है।